नमस्कार साथियों, शिप स्टेबिलिटी के न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे फ्री सरफेस इफेक्ट। अब देखिए, इसका नाम ही है फ्री सरफेस इफेक्ट। क्या है फ्री सरफेस इफेक्ट? अर्थात इफेक्ट ड्यू टू फ्री सरफेस ऑफ कार्गो। यदि कार्गो का सरफेस फ्री हो मूव करने के लिए, तो उसके कारण शिप पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वही आपको यहां पर पढ़ना है। तो आप जान लीजिए, यदि किसी कार्गो का सरफेस फ्री है मूव करने के लिए, यह दाएं बाएं ऊपर नीचे किधर भी जा सकता है, तो वह शिप पर इफेक्ट डालता है। और शिप पर कैसा इफेक्ट डालता है? शिप का स्टेबिलिटी को घटा देता है। स्टेबिलिटी घटा देता है मतलब जीएम को घटा देता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, किस टाइप का कार्गो का सरफेस जो है वह फ्री रहता है? पहला तो यह मन में सवाल उठ रहा होगा, दूसरा यह उठ रहा होगा कि आखिर जब कार्गो का सरफेस फ्री रहता है तो शिप का स्टेबिलिटी अर्थात जीएम कैसे रिड्यूस हो जाता है। तो आइए अब हम आपको यह दोनों चीज समझा देते हैं। अब देखिए, आप लोग सभी जानते हैं शिप में लिक्विड कार्गो भी कैरी किया जाता है, और इसके साथ ही साथ शिप में साल्ट वाटर रहता है एज ए बलास्ट, और फ्रेश वाटर भी रहता है, कुछ फ्यूल ऑयल भी रहता है। तो ये सारे के सारे क्या है? लिक्विड है। और यदि कोई भी लिक्विड किसी भी टैंक में रखा हुआ है और यदि वह टैंक पूरा तरह भरा हुआ नहीं है, अर्थात वह स्लैग टैंक है, टैंक जो है 100% फिल नहीं है, वैसी परिस्थिति में यदि हम टैंक को हिलाते डुलाते हैं तो इसमें जो कार्गो रखा हुआ है वह भी हिले डुलेगा, यह भी ऊपर नीचे जाएगा, और जिधर की डायरेक्शन में यह झुकेगा इंक्लाइंड होगा, उधर के डायरेक्शन में जो यह लिक्विड रखा हुआ है वह भी इंक्लाइंड हो जाएगा, अर्थात एक तरह का बेज बना लेगा। सिमिलर वे में शिप के टैंक में यदि कोई लिक्विड रखा हुआ है और शिप का वो टैंक पूरी तरह फिल नहीं है, तो शिप यदि सी वेव या विंड के कारण रोलिंग पिचिंग होता है, तो उस परिस्थिति में इस टैंक का जो कार्गो है यह भी जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर हिलता रहेगा। और आप सभी जानते हैं शिप में काफी ज्यादा रोलिंग पिचिंग होता है, वैसी परिस्थिति में जो टैंक भरा हुआ नहीं है और उस टैंक में यदि लिक्विड है, तो वह लिक्विड भी बहुत ज्यादा स्लोसिंग करेगा, और जिसके परिणाम स्वरूप शिप का स्टेबिलिटी घट जाएगा, अर्थात जीएम जो है वह घट जाएगा। अब देखिए कैसे घटेगा। अब एग्जांपल के तौर पर हम मान लेते हैं कोई शिप जो है वह रोलिंग कर रहा है और किसी समय वह स्टारबोर्ड की ओर झुका होगा, और मान लेते हैं शिप का कोई स्टारबोर्ड टैंक है, उस टैंक में लिक्विड रखा हुआ है और वह लिक्विड कार्गो पूरी तरह भरा हुआ नहीं है टैंक में, तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, ये जो रोलिंग पिचिंग होगा उसके कारण ये जो कार्गो होगा वह कार्गो भी एक तरह का बेज बना लेगा। जब शिप किसी भी डायरेक्शन में इंक्लाइन नहीं होगा, तो ये जो कार्गो रखा हुआ है अर्थात लिक्विड है, कार्गो वाटर कुछ भी हो सकता है, वह जो है एक ही लेवल में यह रहेगा, लेकिन यहां पर शिप क्या हो गया है, स्टारबोर्ड साइड में रोलिंग के कारण इंक्लाइन हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये जो लिक्विड होगा वह इस तरह बेज बना लेगा, अर्थात लिक्विड जो है इस ओर ज्यादा आ जाएगा। आप नॉर्मली समझ भी रहे होंगे, क्योंकि लिक्विड जो है इस टैंक में फ्री है मूव करने के लिए, और टैंक जो है वह 100% फुल नहीं है, अतः इसको स्पेस मिल गया इधर उधर घूमने का, और सिर्फ जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा उसके अंदर का जो लिक्विड रहेगा वह भी उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा। अब यहां पर देख रहे होंगे ये जो लिक्विड कार्गो है यहां पर शिफ्ट हो चुका है, अर्थात शिफ्टिंग का मामला है। और जब हम आपको केजी बता रहे थे, शिप का केजी किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है, उस समय हम आपको बताए थे कि यदि किसी भी वेट का शिफ्टिंग ऊपर की ओर हो रहा है तो शिप का केजी जो है वह भी ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, अर्थात शिप का केजी भी बढ़ जाएगा। अर्थात जिस टैंक में लिक्विड पूरी तरह फुल नहीं था उसके कारण शिप का केजी जो है वह बढ़ जाएगा। और आप यह भी जानते हैं कि एम माइनस केजी इजकल टू जीएम होता है, यह तो मैं बहुत बार आप लोगों के बता चुका हूं। और यहां पर अभी आप देखें जो स्लैग टैंक है उसके कारण शिप का केजी जो है बढ़ जाता है, जब शिप का केजी बढ़ेगा तो यहां पर क्या होगा,
जीएम जो है वह घट जाएगा, क्योंकि के एम माइनस के जी इक्वल टू जीएम होता है, और के जी का वैल्यू यहां पर बढ़ गया तो जीएम जो है ऑटोमेटिक जो है घट जाएगा, और जीएम घट गया इसका मतलब सिप का स्टेबिलिटी जो है वह घट गया। अतः तो आप यहां पर समझ गए होंगे, यदि किसी भी टैंक में लिक्विड पूरी तरह फूल नहीं है, अर्थात टैंक यदि स्लैक है, तो उसके कारण जो है सिप का जीएम जो है वह घट जाता है, अर्थात सिप का स्टेबिलिटी घट जाता है, और इसी को हम लोग फ्री सरफेस इफेक्ट बोलते हैं। यह इफेक्ट किसके कारण है? ड्यू टू कार्गो सरफेस इज फ्री टू मूव। और यहां पर आप ध्यान रखिएगा, फ्री सरफेस इफेक्ट सिर्फ उसी टैंक के कारण लगेगा जिस टैंक में लिक्विड 100% फुल नहीं है। यदि 90%, 95%, 96%, 99%, 99.9% भी यदि फुल है तो फिर भी यह टैंक जो है स्लैक माना जाएगा, क्योंकि यह 0.1% खाली है और इसके कारण फ्री सरफेस इफेक्ट लगेगा। यदि टैंक 100% फुल है, अर्थात उसमें जरा सा भी स्पेस नहीं है, उसके कारण फ्री सरफेस इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो है स्पेस ही नहीं है जिससे कार्गो जो है वह मूव कर सके। या तो 100% फुल हो गया और ऊपर से लॉक हो गया। अब कितनो रोलिंग पिचिंग होते रहे, इसमें जो लिक्विड कार्गो है वह एकदम सॉलिड की तरह पूरी तरह जमा हो गया, अर्थात समझिए एक लैसिंग हो गया, फिक्स लैसिंग। अब यहां से कार्गो हिल नहीं सकता, अर्थात जो टैंक 100% फुल नहीं होगा सिर्फ उसी कारण आपको फ्री सरफेस इफेक्ट लगेगा, अर्थात सिर्फ उसी टैंक के कारण आपका सिप का स्टेबिलिटी लॉस होगा। और यह कितना लॉस होगा, अर्थात कितना घटेगा, यह आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यही जो है आपको चैप्टर 12 में पढ़ना है। और यदि कोई टैंक पूरा 100% खाली है, अर्थात इसमें लिक्विड है ही नहीं, एकदम खाली टैंक है, तो इसके कारण भी फ्री सरफेस इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें लिक्विड है ही नहीं। जब लिक्विड है ही नहीं तो कोई रोलिंग पिचिंग होगा, उसके कारण इस टैंक में कोई कार्गो कोई फ्री सरफेस है ही नहीं, तो क्या मूव करेगा। अर्थात यदि कोई टैंक 100% फुल हो या टैंक 100% खाली हो, उसके कारण फ्री सरफेस इफेक्ट नहीं लगता है। फ्री सरफेस इफेक्ट ओनली जब टैंक जो है स्लैक हो। तो हम उम्मीद करते हैं आप फ्री सरफेस इफेक्ट समझ गए होंगे। अब हम आपको इसका कैलकुलेशन बताते हैं, किस प्रकार फ्री सरफेस इफेक्ट के कारण जो सिप का जीएम लॉस होता है, अर्थात सिप का जीएम जो घट जाता है, वह कैसे कैलकुलेट करेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता देता हूं, यदि कोई पूछ दे व्हाट इज फ्री सरफेस इफेक्ट या व्हाट इज फ्री सरफेस करेक्शन, तो आप क्या समझाइएगा। अभी हम आपको बताएं, यदि कोई भी सिप का टैंक यदि 100% फुल नहीं है, अर्थात सिप का टैंक जो है वह स्लैक है, तो वह स्लैक टैंक सिप का स्टेबिलिटी को घटा देता है, अर्थात सिप का जीएम को घटा देता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री सरफेस इफेक्ट। और सिप का जीएम का वैल्यू जितना कम जाता है उसी को बोलते हैं फ्री सरफेस करेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कोई सिप है, वह सिप में कोई टैंक जो है स्लैक है, और उस स्लैक टैंक के कारण सिप पर फ्री सरफेस इफेक्ट लगेगा, और आप जानते हैं फ्री सरफेस इफेक्ट लगेगा तो सिप का जीएम जो है वह घटेगा। मान लेते हैं जीएम जो है 0.1 मीटर घट जाएगा, तो ये जो वैल्यू 0.1 मीटर है इसी को बोलेंगे फ्री सरफेस करेक्शन, अर्थात यह क्या है, करेक्शन है। और करेक्शन किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू फ्री सरफेस। यह फ्री सरफेस के कारण जीएम में करेक्शन लगाना पड़ रहा है ताकि हमें सिप का फाइनल जीएम मिल सके। और यह सिप का जो फाइनल जीएम आता है एफएससी घटाने के बाद, इसको हम लोग फाइनल जीएम या रिजल्टेंट जीएम नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जीएम फ्लूड। अभी हम आपको समझा देंगे। हम मान लेते हैं ये जो सिप है, ये जो सिप का मान लेते हैं केएम जो है वह 10 मीटर है। मान लेते हैं ये सिप का केजी जो है 7 मीटर है। ये जी है, ये कील है, यहां पर ईएम है। मान लेते हैं केजी इजकल टू 7 मीटर। आप सभी जानते हैं केएम माइनस केजी इजकल टू क्या होता है, जीएम। तो यहां पर जीएम कितना मिल जाएगा, 10 माइनस 7 इजकल टू 3 मीटर।
और ये जो जीएम आता है केएम माइनस केजी करने पर उसको बोला जाता है सॉलिड जीएम, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है जीएम ब्रैकेट के अंदर एस, अर्थात जीएम सॉलिड। तो अभी जो आपको 3 मीटर मिला यह जो है जीएम सॉलिड है, और इस शिप का एक टैंक स्लैक है, और जब शिप का एक टैंक पूरा तरह भरा हुआ नहीं है उसके कारण हम मान लिए थे कि इस शिप का स्टेबिलिटी जो है 0.1 मीटर घट जाएगा, अर्थात शिप का जीएम जो है 0.1 मीटर करेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर माइनस करेंगे 0.1 मीटर, और ये जो 0.1 मीटर है यह क्या कहलाता है, फ्री सरफेस करेक्शन। तो यहां पर लिखेंगे एफएससी इजकल टू माइनस 0.1 मीटर, माइनस इसलिए कि इसको घटाना पड़ेगा, और घटाने के बाद जो रिजल्टेंट जीएम मिलेगा 2.9 मीटर उसको बोला जाता है फ्लूड जीएम। कैसा जीएम? फ्लूड जीएम, और जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है जीएम ब्रैकेट के अंदर एफ। फ्लूड जीएम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि लिक्विड को फ्लूड भी बोला जाता है। तो यह जो जीएम आया वह किसके बाद आया? फ्लूड के कारण। शिप में यदि किसी भी फॉर्मूला में यदि आपको जीएम यूज करना है तो आपको याद रखिएगा दे या ना दे आपको फ्लूड जीएम ही यूज करना है, अर्थात आफ्टर एफएससी अप्लाई, क्योंकि फॉर्मूला में वहां पर सीधे जीएम लिख देता है, वह मेंशन नहीं करता है सॉलिड या फ्लूड, सिर्फ जीएम कहने का मतलब ही है जीएम फ्लूड। और यदि किसी भी शिप में कोई भी टैंक स्लैक है तो उसके कारण फ्री सरफेस इफेक्ट लगेगा ही, और आपको उस शिप में फ्री सरफेस करेक्शन कितना अप्लाई करना होगा वह आपको कैलकुलेट करना होगा, और उसको अप्लाई करके आपको जो है फाइनल फ्लूड जीएम मिलेगा, और वही फाइनल फ्लूड जीएम को आपको अप्लाई करना होगा। तो अब आपको फ्री सरफेस इफेक्ट और फ्री सरफेस करेक्शन में जो थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा वह क्लियर हो गया होगा। अब यदि आपको कोई इंग्लिश में पूछ दे व्हाट इज एफएससी या व्हाट इज एफएससी, फ्री सरफेस इफेक्ट क्या होता है, फ्री सरफेस करेक्शन क्या होता है, तो इसका आप आंसर क्या दीजिएगा। और यह ओरल में बहुत पूछा जाता है और रिटन एग्जाम में भी आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो इसका आप डिफिनेशन जो है अभी जो मैं समझाया हूं उसको आप नॉर्मली इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, या चाहे तो आप बुक वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक का लैंग्वेज जो है वो लिखिएगा तो वो समझ जाते हैं ये रटे वाला है, नहीं तो अभी मैं जो बता रहा हूं वह आप लिख दीजिएगा। तो यदि आपको कोई पूछ दे व्हाट इज फ्री सरफेस इफेक्ट, तो इसका आप जवाब दीजिएगा एकदम सिंपल में, रिडक्शन ऑफ शिप स्टेबिलिटी। क्या? रिडक्शन ऑफ शिप स्टेबिलिटी, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डेट इज जीएम। यदि आप रिटन का भी एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर ब्रैकेट में डेट इज जीएम लिख दीजिएगा। रिडक्शन ऑफ शिप स्टेबिलिटी काउज्ड बाय लिक्विड इन स्लैक टैंक इज नोन एज फ्री सरफेस इफेक्ट। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, रिडक्शन ऑफ शिप स्टेबिलिटी काउज्ड बाय लिक्विड इन स्लैक टैंक इज नोन एज फ्री सरफेस इफेक्ट। एकदम सिंपल सा आंसर देने का, कोई ज्यादा बुक वाला आपको याद करके रखने की जरूरत नहीं है। और यदि आप ओरल दे रहे होंगे तो वहां पर आपको क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जैसे ही आप फ्री सरफेस इफेक्ट का डिफिनेशन बताइएगा तो वहां पर लगे आपको पूछ देंगे हाउ स्लैक टैंक रिड्यूस द स्टेबिलिटी ऑफ द शिप। स्लैक टैंक शिप का स्टेबिलिटी डेट इज जीएम कैसे रिड्यूस कर देता है, तो अभी हम आपको बताए हैं जो स्लैक टैंक में लिक्विड होता है वह शिफ्ट हो जाता है, और शिफ्टिंग के कारण क्या होता है, शिप का केजी अर्थात सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण शिप का जीएम जो है घट जाता है। तो इसका आप इंग्लिश में आंसर दीजिएगा, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ लिक्विड इन स्लैक टैंक इंक्रीजेज द शिप सेंटर ऑफ ग्रेविटी दस शिप स्टेबिलिटी रिड्यूसेज। तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा कोई भी क्वेश्चन का आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, और यह 50% क्वेश्चन में आपके साथ ऐसा होगा। फिर वह आपसे पूछेंगे व्हाट इज एफएससी, एफएससी क्या है, तो आप उन्हें इंग्लिश में बताइएगा वैल्यू बाय बीच जीएम ऑफ शिप रिड्यूस ड्यू टू एफएससी इज नोन एज फ्री सरफेस करेक्शन। फ्री सरफेस इफेक्ट के कारण जीएम का वैल्यू जितना घट जाता है उसी को फ्री सरफेस करेक्शन बोला जाता है, जैसे एग्जांपल में यहां पर 0.1 मीटर फ्री सरफेस करेक्शन था। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं काफी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, और अभी हम घर से बाहर हैं इसलिए किसी दूसरे का लैपटॉप में पूरा सेटअप करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं।
हो सके रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब आप आइए एफएससी का वैल्यू किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, एफएससी कैलकुलेशन। अब देखिए एफएससी कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है, वह फार्मूला आप याद कर लीजिएगा और उसी फार्मूला को दूसरे दूसरे रूप में दो तीन तरह से लिख सकते हैं, अर्थात वह तीनों फॉर्म जो है याद रखिएगा। देखिए एफएससी का फॉर्मूला क्या है, एफएससी इक्वल टू आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय वी इंटू डी ओ। अब यहां आपको समझना है ई आई डी आई वी और डी ओ है क्या। अभी हम आपको बताए थे फ्री सरफेस इफेक्ट के कारण जो जीएम घटता है उसको बोला जाता है फ्री सरफेस करेक्शन, और यह फ्री सरफेस करेक्शन किसके कारण लगता है, ड्यू टू स्लैक टैंक। तो शिप में जो स्लैक टैंक रहता है उसी स्लैक टैंक का मोमेंट ऑफ एनर्सिया जो है यहां पर आई से डिनोट किया गया है, अर्थात ये जो आई है यह आई क्या है, मोमेंट ऑफ एनर्सिया ऑफ स्लैक टैंक। और यह जो मोमेंट ऑफ एनर्सिया ऑफ स्लैक टैंक लेना है, यह लेना है इस टैंक के सेंट्रल लाइन से, किससे, अबाउट इट्स सेंट्रल लाइन, इस टैंक के सेंट्रल लाइन से, शिप के सेंट्रल लाइन से नहीं। मान लेते हैं ये जो है इधर पोर्ट है, इधर स्टारबोर्ड है और स्टारबोर्ड साइड वाला टैंक जो है यह स्लैक है, तो ये जो टैंक का सेंट्रल लाइन है उससे हमको लेना है ये दिस वन। तो यहां पर आई का मतलब समझ गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्लैक टैंक अबाउट इट्स सेंट्रल लाइन। ऐसे तो एक्चुअल में बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्लैक टैंक सरफेस अबाउट इट्स सेंट्रल लाइन, लेकिन वह समझने में आपको कठिनाई होगा, आप सिर्फ जो है यही समझिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्लैक टैंक अबाउट इट्स सेंट्रल लाइन, और उतना टेक्निकली आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, ये थोड़ा फिजिक्स में डीपली पढ़ना है। आप यहां पर सिर्फ समझिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्लैक टैंक अबाउट इट्स सेंट्रल लाइन। अब सवाल उठता है किसी भी टैंक का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं यदि उस शिप का ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको एमवी हिंडशिप का दिया हुआ है, तो उसमें एक टेबल रहता है और उस टेबल में सारे टैंक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया रहता है, और यदि शिप में वह टैंक जो है 100% फुल नहीं है तो उस टैंक के कारण फ्री सरफेस इफेक्ट लगेगा जिससे जो है जीएम घटेगा। तो आपको यदि एफएससी कैलकुलेट करना पड़ेगा तो उस टैंक का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस टेबल से ले लीजिएगा, और यदि किसी शिप में तीन टैंक चार टैंक स्लैक है, अर्थात मान लेते हैं कोई शिप है जिसका तीन टैंक जो है 100% फुल नहीं है, कोई फ्रेश वाटर टैंक है जो 100% फुल नहीं है, कोई साल्ट वाटर टैंक है वो भी 100% फुल नहीं है, कोई फ्यूल ऑयल टैंक है वो भी 100% फुल नहीं है, तो जितना भी टैंक स्लैक टैंक होगा उस सभी टैंक का आपको एफएससी निकालना होगा। और जब आप सभी इंडिविजुअल टैंक का एफएससी निकाल लीजिएगा तो उस सभी टैंक का एफएससी को आप ऐड कर दीजिएगा, और सारा एफएससी ऐड करने के बाद जो आपका फाइनल एफएससी आएगा वही शिप का एफएससी होगा। अतः शिप में जितना ज्यादा टैंक स्लैक होगा शिप के लिए उतना ही खतरनाक है, क्योंकि शिप का एफएससी बढ़ेगा और एफएससी बढ़ रहा है मतलब शिप का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा घटेगा, अर्थात आपको कोशिश करना है जितना कम से कम जो है टैंक स्लैक हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टैंक का निकालने का एक तो यह है, ट्रिम और स्टेबिलिटी बुकलेट यदि आपको दिया हुआ है तब तो आप आसानी से टेबल देख के निकाल लीजिएगा, और यदि ट्रिम और स्टेबिलिटी बुकलेट नहीं दिया हुआ है तो आप कैलकुलेट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, लेकिन यदि वह टैंक रेक्टेंगुलर हो तो, यदि वह रेक्टेंगुलर नहीं है तो आप फार्मूला से कैलकुलेट करके नहीं निकाल सकते, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और फार्मूला क्या होता है, आई इजकल टू एल बी क्यू बाई 12। कोई भी रेक्टेंगुलर टैंक का यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके सेंट्रल लाइन से तो आप जो है एल बी क्यू बाई 12 फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उस टैंक का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा उसके सेंट्रल लाइन से। यदि इसके सेंट्रल लाइन से आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप इसके लेंथ इंटू ब्रेथ का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 कर दीजिए, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। और यहाँ पर सर्वेयर जो है एक चीज आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टैंक अबाउट इट्स सेंट्रल लाइन, इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है
मीटर के पावर 4। ऐसे आप यहां पर देख सकते हैं, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, इनटू ब्रेथ का क्यू, ब्रेथ का यूनिट क्या होता है मीटर, आई क्यू, ये क्या हो जाएगा मीटर के पावर 4। अब देखिए आई हो गया आपका, आई समझ गए आप। अब आइए डीआई पर, डीआई क्या है, जो टैंक स्लैक रहेगा उस स्लैक टैंक में जो लिक्विड है उस लिक्विड का डेंसिटी, जैसे इस एग्जांपल में एक स्टारबोर्ड वाला टैंक स्लैक था और स्टारबोर्ड टैंक में जो लिक्विड था उस लिक्विड का जो डेंसिटी होगा उसको डीआई से दिखाते हैं। तो यहां पर जो लिक्विड है उसका आपको डेंसिटी लेना है। मान लेते हैं यहां पर फ्रेश वाटर था, तो फ्रेश वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1.0, तो यहां पर डीआई कितना हो जाएगा 1.0। यदि साल्ट वाटर रहता तो क्या हो जाता डीआई 1.025। यदि डीजल वाटर रहता तो क्या हो जाता 0.9 समथिंग। तो जो टैंक स्लैक है उस स्लैक टैंक में जो लिक्विड है उसका डेंसिटी, और आपको याद कैसे रहेगा डीआई मतलब डेंसिटी इनसाइड, आई का मतलब क्या हुआ है इनसाइड, तो टैंक के इनसाइड में जो भी लिक्विड है उसका डेंसिटी, तो डीआई क्या हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड द टैंक। अब देखिए कह रहा है भी, भी का मतलब है अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ शिप, क्या अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ शिप, वहां पर बुक में दे रखा होगा भी इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ शिप। अब इससे बहुत लोग जो है घबरा जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ शिप कहने का मतलब है अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ शिप, दोनों एक ही चीज है। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब शिप जितना डिस्प्लेस कर रहा है उसका वॉल्यूम, अर्थात अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ शिप। यहां पर आप भी समझ गए, और यहां पर जो डीओ है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच शिप इज फ्लोटिंग। अब ये जो शिप है ये शिप कोई वाटर में फ्लोट कर रहा होगा, तो जो वाटर में फ्लोट कर रहा है उसका डेंसिटी, मान लेते हैं शिप जो है कोई डॉक वाटर में फ्लोट कर रहा है, डॉक वाटर का डेंसिटी मान लेते हैं 1.105 है, तो यहां पर डीओ जो होगा 1.105 होगा। यदि साल्ट वाटर होगा तो 1.205 होगा, यदि फ्रेश वाटर होगा तो 1.00 होगा। तो डीओ कहने का मतलब क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच शिप इज फ्लोटिंग, और इसको देखिए इंडिकेट भी किया गया है डीओ से। डीओ कहने का मतलब डेंसिटी आउटसाइड, अर्थात शिप जिसमें फ्लोट कर रहा है आउटसाइड यही ना वाटर है, तो डीओ हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड या वाटर इन विच शिप इज फ्लोटिंग। अब इतना तक तो समझ गए होंगे, और यह समझने में आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यदि आपको दिक्कत नहीं हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों मित्रों को शेयर कीजिए। अब देखिए इसी फॉर्मूला को अलग तरीका से भी लिखा जाता है, कैसे FAC इज इक्वल टू, अभी आपको बताएं I इंटू डी आई डिवाइडेड बाई वी इंटू डी ओ। अब देखिए इसको लिख देते हैं I इंटू डी आई जैसे था जैसे। अभी हम आपको बताएं वी क्या है अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ शिप, और डी ओ क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर इन विच शिप इज फ्लोटिंग। और हम आपको बताए हैं अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ शिप इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच शिप इज फ्लोटिंग, यदि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ शिप। शिप का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ शिप इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इन विच शिप इज फ्लोटिंग। तो यहां पर यही चीज तो है, तो वी इंटू डी ओ को डिस्प्लेसमेंट ऑफ शिप लिख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ शिप को किसे डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। तो एफएससी का एक दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ शिप, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए अभी हम आपको बताएं आई का यूनिट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया का मीटर 4, और डी आई का यूनिट क्या होता है, डी आई मतलब क्या है डेंसिटी, या डेंसिटी का यूनिट क्या होता है टन पर मीटर क्यू, डेंसिटी क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यदि आप I इंटू डी आई कीजिएगा तो यहां क्या हो जाएगा मीटर 4 इंटू टन बाई मीटर क्यू, ये मीटर क्यू ये एम 4 को कैंसिल कर देगा सिर्फ एक एम बचेगा, तो यहां पर यूनिट क्या हो जाएगा टन मीटर, और टन मीटर किसका यूनिट होता है मोमेंट का, हम आपको बताए हैं बहुत बार मोमेंट का यूनिट क्या होता है टन मीटर। तो I इंटू डी आई क्या है एक मोमेंट ही है, और यह मोमेंट किसके कारण आ रहा है फ्री सरफेस के कारण,
तो आई इंटू डी आई को हम क्या लिख सकते हैं, फ्री सरफेस मूवमेंट एफएसएम, एफएसएम मतलब फ्री सरफेस मूवमेंट, या मूवमेंट किसके कारण आया, ड्यू टू फ्री सरफेस, क्योंकि कार्गो का सरफेस फ्री है उसके कारण आया है। तो एफएससी बराबर लिख सकते हैं फ्री सरफेस मूवमेंट डिवाइडेड बाय फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ शिप अर्थात कैपिटल डब्ल्यू। तो आप यह तीनों फार्मूला जो है ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी यूज आ सकता है। अब देखिए, अब इसमें जो है दो तीन कॉन्सेप्ट छोटा छोटा जो है वह रह गया है। वह कौन कौन चीज रह गया है, एक तो बुक के आपका स्टार्टिंग शुरू के ही पैराग्राफ में दिया हुआ है, स्लैक टाइम के कारण शिप का पीरियड ऑफ रोल और एंगल ऑफ रोल यह दोनों जो है बढ़ जाता है। तो बहुत लोग तो इसको रट रखे हैं लेकिन समझते नहीं हैं यह कैसे बढ़ जाता है, तो मुझे आपको यह समझाना रह गया है। दूसरा जो है एफएसी जो है किसी भी टैंक का लेंथ और ब्रेथ पर किस प्रकार डिपेंड रहता है यह समझाना रह गया है। ऐसे तो जो मैथमेटिकली स्ट्रांग है वह समझ गए होंगे लेंथ और ब्रेथ पर किस प्रकार डिपेंड करता है, तो किसका लेना देना फॉर्मूला से ही है। तो यह दो तीन चीज जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, उसके पहले जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं, क्योंकि सभी चीज एक साथ बताऊंगा तो आपको सिर्फ बाउंस होगा, तो उससे कोई विशेष फायदा नहीं होगा। अब हम सीधे आपको क्वेश्चन पर चलते हैं। आप सभी लोग जो है कैप्टन सुब्रमण्यम जी का बुक निकाल लीजिए, क्योंकि सारे लोग तो यही बुक फॉलो करते हैं और मार्केट में यही एक बुक भी है मान लीजिए, तो और भी कोई होगा हमें लेकिन आइडिया नहीं है, ऐसे सभी लोग यही यूज करते हैं। आप सीधे एक्सरसाइज 10 पर आ जाइएगा, एक्सरसाइज 10 है फ्री सरफेस इफेक्ट, ये आपको पेज नंबर 87 पर मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ऑन ए शिप ऑफ W 5000 टन दिया रखा है, मतलब शिप का डिस्प्लेसमेंट 5000 टन है। आगे कहता है ए टैंक इज पार्टली फुल ऑफ डीजल वायल ऑफ RD 0.88। अब कह रहा है कि इस शिप में एक टैंक है और कोई जो टैंक है उस टैंक में रखा हुआ है DO डीजल वायल रख दिया गया है, और यह टैंक पार्टली फुल है और इस डीजल वायल का RD दे रखा है 0.88, अर्थात आपको DI दे रखा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड द स्लैक टैंक, यह आपको है 0.88। आगे कहता है इफ द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द टैंक अबाउट इट्स सेंट्रल लाइन इज 242m². अब इस टैंक का मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो है वह दे रखा है और यह है आपका 242m², अर्थात आपका I दे रखा है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज एफएससी, एफएससी इज इक्वल टू क्वेश्चन, एफएससी आपको बताना है। तो अभी हम आपको बताएं एफएससी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाई वी इंटू डी ओ, अब बार बार लिखिएगा इसे आपको याद हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आई दिया हुआ है, डी आई दिया हुआ है, वी इंटू डी ओ दिया हुआ है, वी इंटू डी ओ क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, अभी हम आपको बताए थे आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डब्ल्यू, देखिए आपका इस रूप वाला का यूज आ गया। अब यहां पर सारा वैल्यू रख दीजिए, आई बराबर कितना है 242 इंटू डी आई कितना है 0.88 डिवाइडेड बाई 5000, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई करने पर जो भी आएगा वैल्यू वही आपका आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह कह रहा है इफ द टैंक इन क्वेश्चन नंबर 1 वाज पार्टली फुल ऑफ साल्ट वाटर इंस्टेड ऑफ DO फाइंड द एफएससी। क्वेश्चन 2 जो है क्वेश्चन 1 के ही समान है, सिर्फ यह है ये जो पार्टली फुल जो टैंक था पहले तो था इसमें DO था, अब DO के जगह जो है यह आपका आ गया है साल्ट वाटर, और आप जानते हैं साल्ट वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1.025, बाकी सब चीज सेम है, इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन, एफएससी इज इक्वल टू आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाई वी इंटू डी ओ दैट इज डिस्प्लेसमेंट। आई का वैल्यू आपको मालूम है 242 रख दीजिए, 242 इंटू डी आई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड द टैंक, अब इसमें क्या है साल्ट वाटर है, पहले डी ओ था अब साल्ट वाटर है,
यहाँ पर हो जाएगा 60 बटा डेंसिटी 1025, ये डेसिमल है 1.025 डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी 5000। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगा वो आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है ऑन ए शिप ऑफ डिस्प्लेसमेंट 6000 टन, यहाँ डब्ल्यू दे रखा है 6000 टन, km इजकल टू 7.4 मीटर, kg इजकल टू 6.6 मीटर, ए डबल बॉटम टैंक ऑफ I 1200 मीटर 4, एक डीबी टैंक है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया दे रखा है 1200 मीटर 4, इज पार्टली फुल ऑफ फ्रेश वाटर, और इस टैंक में जो है फ्रेश वाटर रखा हुआ है, अर्थात डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड स्लैग टैंक कितना हो जाएगा 1.00। पता है फाइंड जीएम फ्लूड, जीएम फ्लूड आपको बता देना है। अब देखिए, अभी हम आपको बताए थे के एम माइनस के जी इजकल टू होता है जीएम, और यह जो जीएम होता है क्या होता है सॉलिड जीएम, तो के एम यहां दिया हुआ है 7.4 मीटर, के जी दे रखा है 6.6 मीटर, के एम माइनस के जी क्या आएगा जीएम, और यह जो जीएम क्या होगा सॉलिड जीएम, ब्रैकेट में एस लिख दे रहे हैं, इजकल टू 7.4 माइनस 6.6 0.8 मीटर। अब आपको स्लैग टैंक के कारण फ्री सरफेस इफेक्ट लगेगा, इससे आपको जीएम का वैल्यू घट जाएगा, तो आपको अब यहां पर एफएससी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो एफएससी का वैल्यू आएगा उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अब आप यहां पर एफएससी कैलकुलेट कर लीजिए। आप जानते हैं एफएससी इक्वल टू क्या होता है आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाई वी इंटू डी ओ, यहां पर सारा चीज का वैल्यू रख दीजिए, आई कितना है 1200 इंटू डी आई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड स्लग टैंक 1 डिवाइडेड बाई वी इंटू डी ओ, डेट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ शिप 6000। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए 1020 1250 60, क्या आ गया 1/5 इजकल टू 0.2 मीटर, ये तो मुझवानी बन जाएगा। अब आपको एफएससी मिल गया 0.2 मीटर, यह एफएससी को यहां पर आप रख दीजिए, एफएससी क्या होगा माइनस होगा कितना 0.2 मीटर, जब एफएससी घटा दीजिएगा तो आपको जो जीएम मिलेगा वह जीएम क्या कहलाएगा फ्लूड, इजकल टू 0.8 माइनस 0.2 इजकल टू 0.6 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। यह तो आपको बिना कैलसी के भी बन जाएगा। तो एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 3D लिया गया 0.6 मीटर। तो हम उम्मीद करते हैं एफएससी किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है वो आप समझ गए होंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बाकी है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। यदि मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों मित्रों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। यदि मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों मित्रों को शेयर करें।